हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड में आपकी रिक्रूटमेंट आई है डोमेस्टिक ब्रांच में, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आपकी रिक्रूटमेंट आई है। उसके बारे में मैं बताऊँगी आपकी स्टार्टिंग कब से हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, आपकी एप्लीकेशन में आपकी रिक्रूटमेंट क्या है, किस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट आई है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है और स्टार्टिंग कब से हो रहा है, लास्ट क्या है, आपकी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, जो रिटन एग्ज़ाम होगा क्या उसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ मेरे चैनल का मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो आपका नाविक के लिए नाविक में जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए वैकेंसी है आपकी कुक और स्टीवर्ड के लिए। तो आपके रिक्रूटमेंट किसके लिए है, कुक और स्टीवर्ड के लिए आपकी रिक्रूटमेंट है। पोस्ट आपका कुक और रिक्रूटमेंट होगा, स्टीवर्ड होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए जॉब रिक्रूटमेंट के लिए। तो टेंथ आपका होना चाहिए, टेंथ आपने पास किया होगा तो आप फॉर्म भर सकेंगे। 50% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन है, यानी 45% होगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जॉब रिक्रूटमेंट क्या है। तो जॉब रिक्रूटमेंट आपका कुक और स्टीवर्ड है। तो कुक का काम जो है आपका फूड प्रिपेयर करना है, और स्टीवर्ड का काम जो फूड सर्व करना है, हाउसकीपिंग मेंटेनेंस ये सब इंक्लूडेड है। तो ये आपका दो काम हो गया जिसके लिए रिक्रूटमेंट आई है आपकी कुक और स्टीवर्ड के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। तो आपका एज मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 22 वर्ष है, जो 1 अप्रैल 2019 तक होना चाहिए। और जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो भी एज पर रूल आपको मिल जाएगा, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का आपका जो अपर एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं पे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका अलाउंस क्या होगा। इसमें स्टार्टिंग पे आपका 21,700 है, प्लस उसके बाद प्रमोशन के बाद आपका इंक्रीजमेंट भी दिया हुआ है। ऊपर से आपका सारी फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने के लिए कि स्टार्टिंग डेट कब से है, आपका लास्ट डेट क्या। तो जो आपको फॉर्म जो है आपको भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है आपको, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। तो आपको ऑनलाइन ही ओनली फॉर्म भरना है। जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो 15 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 15 अक्टूबर से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकेंगे, लास्ट आप 29 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे, यानी कि आपका लास्ट डेट 29 अक्टूबर है। उसके लिए आपको वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in पे जाके क्लिक करना होगा, वहाँ जाके आपको फॉर्म भरना होगा। और जो फॉर्म है आप विदाउट पेमेंट फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा सारे कैंडिडेट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट जोन दिए हुए हैं, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ जोन में आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया हुआ है नोएडा, नॉर्थ ईस्ट जोन कोलकाता, नॉर्थ ईस्टर्न जोन चेन्नई, वेस्टर्न जोन मुंबई, नॉर्थ ईस्ट जोन गांधीनगर, यहाँ सब है उसके सारे स्टेट्स के, जैसे नॉर्थ इंडियन नॉर्थ जोन के सारे स्टेट्स हैं यहाँ पर। यहाँ आपका डोमिसाइल और कैंडिडेट रेसिडिंग होना चाहिए। तो ये सब आपका यहाँ पर जोन वाइज है, आप जोन वाइज देख सकते हैं किस जोन में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपका रिटन एग्ज़ाम है, फिज़िकल जो आपका फिटनेस टेस्ट है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें क्या क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से, और रीजनिंग में आपका नॉन वर्बल वर्बल से क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्वेश्चन क्या किया जाएगा वो चीज़ देख लेते हैं। तो उसमें जो है आपका जो 1.6 किलोमीटर का आपका रन होगा, जो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और 20 उठक बैठक हैं आपके, और 10 पुशअप होगा। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका हाइट जो है 150 सेंटीमीटर जो आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए, और विजुअल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है यहाँ पे 6x36 जो बेटर आया है विथ ग्लासेस, और 6x36 विदाउट ग्लासेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आप देख सकते हैं, पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर हो गया। तो आज ये मतलब टोटल हमने जान लिया कि कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, स्टार्टिंग कब से है। तो स्टार्टिंग आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 15 अक्टूबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप तब फॉर्म तब से भर सकते हैं। और लास्ट आपका 29 अक्टूबर है, तो 29 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म भरना है।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।